नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदूषण नियंत्रण पर काम हो रहा है। सरकार प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक बसों में वृद्धि होने पर जनता को कम पैसों में सफर करने की सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जनता के सुखद और सुगम सफर के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह काफी गंभीर हैं। संवाददाता आकर शुक्ला ने खास बातचीत की है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से। प्रदेश सरकार लगातार परिवहन विभाग को लेकर के जागरूक है और लगातार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से परिवहन के जरिए प्रदूषण को कम किया जाए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इलेक्ट्रिक की बसों का लगातार संचालन बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को लेकर के नियंत्रण किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो परिवहन सेवा है उसको किस तरीके से सुधारा जा रहा है? देखिए, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश में यूरो 6 बस ला रहा है और उससे प्रदूषण पर बहुत नियंत्रण होगा। हम लोग जो है जो अपने दिल्ली के आसपास के जो हमारे ज़िले हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसमें हम लोग जो है 8 साल से पुरानी गाड़ी नहीं लगा रहे हैं और उधर हम लोग CNG का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और अब बड़े शहरों में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, नगर में हर जगह जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं, तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ही, क्योंकि 0% प्रदूषण उससे हो रहा है, तो वो बहुत ही लाभदायक है। हम लोग इसके लिए पॉलिसी लाए हैं जिसमें 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसको स्क्रैप कराने पर हम 15% कमर्शियल गाड़ियों पर और 10% जो है जो निजी गाड़ियां हैं उस पर हम सब्सिडी भी दे रहे हैं कि आप उसको स्क्रैप करके नई गाड़ी लीजिए। और क्योंकि जो नई गाड़ी होगी वो जितना उससे 0% पर उसका प्रदूषण रहेगा और पुरानी गाड़ियां 100% उससे ज़्यादा जो है धुआं देती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैंने हम लोग चेंजेज ला रहे हैं जिसके कारण जो है प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। सर, अगर बात करी जाए परिवहन विभाग की, तो लगातार जिस तरीके से आपके ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, चाहे वो बसों के ऊपर जाके निरीक्षण करना हो तो उसको लेकर के भी, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है बसों में सफाई की व्यवस्था काफ़ी सुधर गई है, बसों में जो कंडक्टरों के व्यवहार हैं वो बदल गए, तो उसको लेकर के आगे और किस तरीके से जो बदलाव किए जा रहे हैं उस पर कुछ बताइए। देखिए, एक पूरे परिवहन विभाग एक टीम भावना के साथ काम कर रही है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी कर्मचारी, और उसमें अच्छे काम करने के लिए कुछ बदलाव करने के लिए कर रहे हैं। अभी सदन के अंदर भी अपने वित्त बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन विभाग की सराहना की और उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग संकट का साथी है, कोरोना काल का उदाहरण दिया और वर्तमान में भी उन्होंने परिवहन विभाग के अच्छा और कार्य करने के लिए उन्होंने 1000 बसों हम लोगों को अतिरिक्त दिया और हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए 100 करोड़ रुपया प्रोत्साहन के लिए उन्होंने दिया अपने बजट में, अनुपूरक बजट में। ये पहली बार के परिवहन विभाग के इतिहास में हुआ कि अनुपूरक बजट में 1000 बसें और 100 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन के लिए मिला। तो परिवहन विभाग हम सब मिल करके इसको जो इसकी बुनियादी समस्याएं हैं उसको समाधान कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम लोग अपने डिपो को भी ठीक करने जा रहे हैं। अभी हमारे जो 23 डिपो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर मुझे हवाई अड्डे की तरह बनने जा रहे हैं उसका टेंडर भी आज ही दैनिक जागरण के उसमें आज टेंडर प्रकाशित हुआ है और राष्ट्रीय अखबारों में भी हुआ है। तो हम लोग बहुत सारे चेंजेज हम लोग DL में अब जो है ड्राइविंग जो इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं। अभी पहले इस तरह से बिना मानक के जो है इस तरह से इंस्टीट्यूट चलते थे, लेकिन अब जो है एक उसका पूरा मानक है कि इतना जगह होना चाहिए, उसमें हम लोग ऑटोमेटिक ट्रैक बना रहे हैं तो उसको सेंसर से उसको
युक्त किए हैं कि कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं करेगा, सेंसर अपने आप में ऑब्जर्व कर लेगी कोई कि आप रॉन्ग चल रहे हैं या राइट चल रहे हैं, और कंप्यूटर से उसका रिजल्ट निकलेगा। तो हम लोग जो है मैनुअल चीज़ों को अब समाप्त कर रहे हैं और सब चीज़ ऑनलाइन और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। हम डीएल बनाने में भी 100% माने हिंदुस्तान का एक माने हम लोग ऐसे राज्य हो रहे हैं कि जहाँ पर 100% हम लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस को कर दिए। कोई भी अब हमारे दफ्तर में कोई लाइसेंस बनाने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठ करके जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपना आधार कार्ड को लिंक करके आप जो है घर बैठे आप उसका एग्ज़ाम दीजिए, अपना डिजिटल सिग्नेचर से आप अपना लोड कर लीजिए, अपना लर्निंग लाइसेंस ले लीजिए। परमानेंट लाइसेंस के लिए मेरे यहाँ आना है आपको, उसके लिए आपको अब जो हमारे ऑटोमेटिक ट्रैक है उससे आपको गुजरना होगा। अभी 16 जगहों को हमने टेंडर किया है और टेंडर अभी हमारा प्रक्रिया में है कि बिना उसके गुजरे हुए आपको लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और इस पर हम सख्त हैं कि कोई ऐसे लाइसेंस ना बना ले जिसको उसको हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट को मालूम ही नहीं है उसको, और बिना ट्रेनिंग के जो है लाइसेंस प्राप्त कर ले। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हम प्रत्येक ज़िले में हम ATS का वो कर रहे हैं और उसका 16 जगह पर टेंडर हमारा हो चुका है और बहुत जल्द जो है मैंने पब्लिक को उसका लाभ प्राप्त होगा। तो हम बहुत नए नए चेंजिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, हम परमिट सिस्टम को भी ऑनलाइन कर दिए हैं। पहले लोग हमारे दफ्तर में परमिट के लिए दौड़ लगाते थे, अब आज जो है रात के 2 बजे भी उसकी किसी की इच्छा हो कि हमारी बस जो है दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, तो अपना हमारे वेबसाइट पर जा कर के अपना उसकी गाड़ी फिटनेस सही है तो अपना टैक्स जमा करें और डिजिटल सिग्नेचर से अपना परमिट लेकर के अपना काम करें। तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने वो किया है। अभी जो हमारे परमिटेड जो हमारे रूट थे जहाँ पर केवल हमारे परिवहन निगम की मोनोपोली चलती थी उसको भी हमने हटा दिया। अब एक्सप्रेसवे पर भी प्राइवेट बसें चलेंगी और नए नए पार्टनर्स हम ला रहे हैं और अब दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे कि हजारों बसें हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें दिल्ली की शहर में भी चलेगी। हमारे दिल्ली के वहाँ जो NCR क्षेत्र है उससे मेरा समझौता हुआ है और मैं अब हजारों बस दिल्ली के अंदर जो है हमारी परिवहन निगम की रहेंगी और हर ज़िले से उत्तर प्रदेश के हमारे 75 ज़िले से राजधानी के लिए बस जाएंगी, उसकी नाम ही रहेगा राजधानी सेवा। या 75 बस दिल्ली को जाएगी, 75 बस हमारे लखनऊ को आएगी, उसकी राजधानी सेवा रहेगी। शाम को बैठिए, सुबह में आप राजधानी जाइए, दिन भर काम करिए, फिर शाम को उधर से आ करके सुबह में अपने घर आ जाइए। और उसमें मैं स्लीपर बस भी रहेगा भाई, बल्बो बस भी रहेगा और नॉर्मल बस भी रहेगा, तीनों तरह के बसों का मैं उसमें प्रयोग करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इसी बीच एक इलेक्ट्रॉनिक बस की सुविधा भी शुरू करी गई है जिसमें बारातियों को ले जाने की व्यवस्था करी गई है, उसके बारे में सर नहीं। अब देखिए, हमने अपने जितने हमारे बस डिपो है वहाँ पर हम जो चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं और जब चार्जिंग पॉइंट बन जाएगा तो अभी तो हम नगरों में केवल इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, अब हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे। नॉर्मल किराया पर हम AC की सेवा देंगे, तो लेकिन इसके लिए थोड़ा हमारा जो तंत्र है पहले उसका चार्जिंग जो हमारे कैपेसिटी बढ़े, तो हमने अभी हर जो हमारे डिपो है वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, पब्लिक के लिए भी बनाएंगे, अपने लिए भी बनाएंगे। पब्लिक उसका जो एक जो उसका चार्ज होगा चार्ज देगी, अपना चार्ज कराएगी और बाकी हमारे परिवहन निगम का भी काम उसी में होगा। तो इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। जब और हम ऑफर किए हैं जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरों से कि भाई आइए हमारे साथ आप पार्टनर बन करके साथ साथ चलें, और पूरे उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बस ग्रामीण अंचलों में भी चले, वहाँ के लोग भी इसकी सेवा लें। अंतिम सवाल सर, कि उत्तर प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए आपने फ्री बस सेवा शुरू करने की बात कही है, कब से लागू होगी और किस तरीके से लागू होगी? वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प में है और उसको बहुत जल्द अभी हम लोगों ने उसको अपने
महिला कल्याण विभाग से, और हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं की आंकड़े लिए हैं, और 60 वर्ष से ऊपर की जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको हम लोग आजीवन फ्री में यात्रा कराएंगे। हमारी सभी बसों में वो अनुमन्य होगा, चाहे हमारी एसी बस हो, स्लीपर बस हो, हमारे नॉर्मल बस हो, हमारे इलेक्ट्रिक बस हो, सब में उनको जो है हम फ्री में उनको यात्रा कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग लगातार टेक्नोलॉजियों से लैस हो रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक बसों को चला रहा है, कुछ ही दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बसें जाएंगी, और साफ तौर से उत्तर प्रदेश में जो लगातार प्रदूषण को लेकर के लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं वो भी कम होगी। कैमरा पर्सन समर के साथ आकर्ष शुक्ला, सादना न्यूज़, उत्तर प्रदेश सरकार।